नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस एक केमिकल ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी लाइफ के लिए और हमें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। न्यूट्रिशंस में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनरिच करते हैं, नरिश करते हैं। ओके, मेजर न्यूट्रिशंस ऑफ फूड। मेजर न्यूट्रिशंस ऑफ फूड हमारे कौन कौन से हैं, मतलब हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेल्स। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एक जनरल फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो CnH2O2n इस पे वर्क करता है, जिसमें कि आपका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो 2:1 में बिलोंग कर रहे हैं। और भी जब जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज फैट। ओके, फैट के पहले देख लीजिए क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक है मोनोसैचराइड्स, दूसरा है डिसैचराइड एंड पॉलीसैचराइड, डाइसैचराइड एंड पॉलीसैचराइड्स। ओके, इसके डिटेल में हमें देखने का अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज की यूनिट को एक साथ मिला के ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स बनाता है। और ये सभी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन की डाइट में भी शामिल होता है, जैसे कि हमारी डाइट जैसे कि पोटैटो, वीट है ना, पोटैटो, वीट, मेज, राइस, इन सब में हमारा क्या होता है, स्टार्च होता है। और जो स्टार्च होता है वो एक्चुअली वाइट कलर का, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस, मतलब स्मेललेस होता है। और ये कोल्ड वाटर एंड एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द मॉलिक्यूल्स दैट फंक्शंस इज द सेकेंडरी लॉन्ग टर्म्स एनर्जी स्टोर इन एनिमल एंड फंगी सेल। ये भी आपका जो है एक मॉलिक्यूल्स है जो कि आपका फंक्शंस, इसका फंक्शंस ये है कि एनिमल एंड फंगी सेल में एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। ये हमारी लीवर एंड मसल्स में स्टोर होता है और ये हमारी ब्रेन एंड स्टमक को नरिश करता है। ओके, नेक्स्ट इज फैट। फैट इज अ वाइड ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट जो होता है वो आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्युबल होता है, मतलब घुल जाता है, और वाटर में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है। और एक्चुअली जो फैट होता है वो आपका ट्राइमीटर्स है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का। फैट्स जो होता है वो या तो सॉलिड में होता है या तो लिक्विड में होता है, अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो। ओके, और फैट जब जब ये हमारा क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जब हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम ले लेते हैं, मतलब अपने फूड के रूप में, तब ये क्या होता है, फैट के रूप में हमारी बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज़ अ मेन बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है। हमारी बॉडी जो में जो बहुत सारे टीनी टीनी सेल्स बने होते हैं, बिलियंस ऑफ, ये सब प्रोटीन्स के कारण ही बनते हैं। और ये सब जो होते हैं मेनली प्रोटीन के कारण ही बनते हैं। व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी नीड अ मोर प्रोटीन, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अवर बॉडी ऑल्सो नीड प्रोटीन टू रिप्लेस द ओल्ड एंड डैमेज सेल। हमारे शरीर से ओल्ड एंड डैमेज सेल को अलग करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, ऐसी पीपल हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की नीड्स होती है। प्रोटीन हमें 2 टाइप से मिलता है। एक होता है एनिमल प्रोटीन, एक होता है प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जैसे कि एग, मिल्क, चीज़, मीट, फिश, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। और यहाँ अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में से तो सोयाबीन्स, ग्राउंड नट्स, पल्सेस, बार्ले, ड्राई फ्रूट्स, और इन सब से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ओके, विटामिन्स। नेक्स्ट इज विटामिन्स।
विटामिन्स जो है हमको ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड इन मिनट्स अमाउंट टू मेंटेन ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड अ विटामिन। हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत होती है। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ अबाउट 15 अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो विटामिन्स जो हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्युबल, एक होता है वाटर सोल्युबल। जो फैट सोल्युबल होता है वो फैट से सोल्युबल हो जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के एंड के। और जो वाटर सोल्युबल है वो सोल्युबल इन वाटर होता है, जैसे कि विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये फैट सोल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? दीज विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट, दे डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये फैट में डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। और हमने ऊपर नाम पढ़ लिया कि इनमें से कौन कौन से आते हैं। ओके, ये टेबल देखिए, यहाँ पे आपको सारे विटामिन के बारे में डिटेल दिया हुआ है। विटामिन ए का सोर्स जो है वो है कैरोट, टमाटो, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, एग, कॉड लीवर ऑयल। और इम्पॉर्टेंस क्यों है? ये हमारी आंखों के लिए, स्किन हेल्दी रखने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, पेशेंट इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट, इररेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। और इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट हमें 0.5 mg है। इसी प्रकार से वी वन हमें पी सीरियल्स ग्रीन वेजिटेबल्स मिलता है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नाम की डिसीज हो जाती है, जिसमें कि नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्टेड होता है। इसकी नॉर्मल क्वांटिटी हमें 0.75 mg चाहिए। बी टू सी फूड में मिलता है हमको, मिल्क में मिलता है, पीज, मीट, एग्स, ईस्ट, इन सब में हमें B2 मिलता है। नॉर्मल ग्रोथ, स्किन हेल्दी, रिट्रेट ग्रोथ एंड स्किन डिसीज, मतलब स्किन हमारा शरीर का डेवलपमेंट थोड़ा आड़ा टेढ़ा टाइप का होगा और स्किन डिसीजेस होगी। इसकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए? 1.0 mg। B6 वोल सीरियल्स, सभी सीरियल्स में मिलता है, टमाटोज, पोटैटोज, फिश, मीट में मिलता है। नॉर्मल ग्रोथ, हेल्दी स्किन के जरूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा नाम का एक डिसीज़ होती है, जिसमें कि स्किन, एलिमेंट्री कैनल एंड नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट हो जाता है। इसकी क्वांटिटी दी हुई है। बी ट्वेल्व इज़ सोर्स ऑफ मिल्क, फिश, लीवर एंड एग्स, फॉर्मेशन ऑफ RBC, RBC के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड की कमी हो जाती है। क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। सी विटामिन सी में साइट्रस, जो भी खट्टे फल हैं वो सारे फलों में विटामिन सी होता है, जैसे कि आंवला, टमाटो, ग्रीन लीफ, वाटर एंड चेस्टनट। ये आपके स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स और हेल्दी ग्रोथ के लिए। और इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे कि आपके गम से, मतलब आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग निकलती है। विटामिन डी ग्रीन वेजिटेबल्स, सनलाइट, मिल्क, बटर, कॉड लीवर ऑयल में होता है। स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं इनसे, इनकी डेफिशिएंसी रिकेट नाम का हो जाता है, जिससे कि जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं और उनका शेप चेंज हो जाता है। विटामिन ई सारे ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल मिल्क में, वेजिटेबल ऑयल में, मिल्क में, बटर में विटामिन ई होता है, जो कि हेल्दी सेल मेम्ब्रेन्स है। और आपके इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 4 mg। के ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनिश एंड कैबेज, सोयाबीन्स ऑयल में आपका विटामिन के होता है। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपका ब्लड का थक्का जमता है, जब चोट वगैरह लगती है तो ब्लड तुरंत जम जाता है, तो इससे विटामिन के कारण होता है। इससे क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा ब्लड ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। मिनरल्स भी हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड हैं, हमारे लिए बहुत सारे मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, है ना। और ये सब हमें बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए नीड होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से हमें कई डिसीजेस भी हो जाती हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एंड आयरन। कैल्शियम का सिंबल सी है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 40.078 amu है। जो कैल्शियम है वो एक सॉफ्ट ग्रे एल्काइन अर्थ मेटल है, मतलब अर्थ से मिला वाला मेटल है। ये 50 मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स हैं अर्थ के क्रस्ट में से निकलने वाला, और ये सी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है।
और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल साइकोलॉजिकली के लिए क्या होता है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है. फास्फोरस, फास्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसका सोर्स है आपका मिल्क, पर्ल मतलब ये आपका बाजरा, बनाना, पल्सेस, दालें और ग्रीन लेवी वेजिटेबल्स. मिल्क मिल्क फूड विच कंटेन बोथ कैल्शियम एंड फास्फोरस मिनरल्स इन गुड अमाउंट. दूध एक ऐसा आपका आइटम है जिसमें कि कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों ही नॉर्मल जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उसमें अवेलेबल होता है. नेक्स्ट है आयोडीन. आयोडीन हमारे थायराइड नाम के ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है. अदरवाइज इसकी डेफिशिएंसी से आपका गले का जो पार्ट ऐसे लटक के आ जाता है वो थायराइड ग्लैंड की कंट्रोल करता है. और ये हमारा आयोडाइज सॉल्ट में, वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में हमारा अवेलेबल होता है. ओके, नेक्स्ट इज आयरन. आयरन इज नीडेड टू मेक अ हीमोग्लोबिन. हमारे शरीर में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल को या हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमें आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. आयरन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड. और जो आयरन होता है वो पालक में, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में, एप्पल, एग, लीवर, सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्राउंड नट्स में अवेलेबल होता है. अब ये देखिए मिनरल्स, जो मेजर मिनरल्स हैं, कुछ माइनर मिनरल्स हैं. मेजर मिनरल्स में आपके क्या क्या आ रहा है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम. और आपका स्मॉल क्वांटिटी में हमें जो जरूरत होता है आयोडीन, आयरन, मॉलिब्डिलिन, जिंक, ये सब तो नाम हमने सुने भी नहीं है. इसमें आप सिर्फ आयोडीन, आयरन को हम माइनर मिनरल्स के रूप में याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज रफेज. रफेज क्या होता है? जो अनडाइजेस्ट फाइबर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसे रफेज बोलते हैं. अनडाइजेस्ट फाइबर्स मटेरियल्स जो हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं उसको रफेज बोल दिया जाता है. और जैसे कि फ्रूट्स में जो सेलुलोज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर जो कनेक्टेड टिश्यूज मीट एंड फिश को हम क्या बोलते हैं? रफेज बोल सकते हैं. और रफेज हमारा किस किस में अवेलेबल होता है? कैबेज में, भुट्टे में, ठीक है, अनपील्ड मतलब एप्पल को बिना छीले खाओ, हाफ क्रस्ट पीड जो होता है ना, ये सब. और रफेज क्या होता है? हमें न्यूट्रिशंस नहीं देता है लेकिन ये हमारे रेगुलर मूवमेंट के लिए और फूड को डाइजेशंस करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वाटर. वाटर भी, वाटर का एक अलग रोल है. ये वाइटल रोल प्ले करता है. ये हमारे फूड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, डाइजेशंस में हेल्प करता है, मूविंग द वेस्ट. वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच.